नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मकर राशि के बारे में और जानेंगे मकर राशि के लोगों के लकी चार्म के बारे में। जी हां दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं उन सभी चीजों के बारे में जो चीजें मकर राशि के लोगों के लिए लकी चार्म मानी जाती है। यदि आपका नाम इनमें से किसी भी अक्षर से शुरू होता है तो आप लोग मकर राशि के जातक माने जाते हैं। दोस्तों, यदि बात करें राशि चक्र की तो राशि चक्र में मकर राशि 10वें स्थान पर आती है, जिसका प्रतीकात्मक चिन्ह मगरमच्छ होता है। मकर राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव माने गए हैं। यदि बात करें मकर राशि के जातकों की तो मकर राशि के जातक अपने जीवन में बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। साथ ही साथ मकर राशि के जातकों को अपने जीवन में यात्रा करना बहुत पसंद होता है। अगर आप लोग मकर राशि के जातक हैं और अपने बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने मकर राशि के जातकों के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। दोस्तों, यदि बात करें मकर राशि के जातकों के लकी चार्म के बारे में तो मकर राशि के जातकों को फिरोजा रत्न का लॉकेट अपने गले में जरूर पहनना चाहिए। यदि मकर राशि के जातक फिरोजा रत्न का लॉकेट अपने गले में धारण करते हैं तो ऐसा करने से मकर राशि के जातकों का भाग्य प्रबल होता है और उन्हें अपने हर कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। चार पत्तियों वाली घास को भी मकर राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ और अच्छा माना गया है। इसीलिए यदि मकर राशि के जातक अपने घर या अपने ऑफिस में चार पत्तियों वाली घास की फोटो या इमेज लगाते हैं तो ऐसा करने से भी मकर राशि के जातकों का भाग्य सदैव प्रबल रहता है और उनके अंदर आत्मविश्वास और प्रेम की भावना जागृत होती है। घोड़े की नाल को भी मकर राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ और अच्छा माना जाता है। इसीलिए यदि मकर राशि के जातक अपने घर या अपने ऑफिस में घोड़े की नाल लगाते हैं तो ऐसा करने से भी मकर राशि के जातकों का भाग्य प्रबल होता है और उन्हें अपने हर कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, लकी चार्म एक ऐसी चीज होती है जो हमारे दुर्भाग्य को हमारे सौभाग्य में बदल देता है और हमें सदैव बुरी चीज और बुरे लोगों से बचाए रखता है। अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आप सब लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और वीडियो से संबंधित कुछ भी पूछने या बताने के लिए कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।